के इस वीडियो में हम लाइव कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट हाइड्रोजन वाटर बॉटल्स के बीच में, राइट फ्रेंड्स, कि वो कितना हाइड्रोजन बनाती हैं, कितना उनका माइनस ओआरपी रहता है। तो इसके लिए हमारे पास है हाइड्रोजन मीटर, नंबर टू माइनस ओआरपी मीटर, नंबर थ्री टीडीएस मीटर। टीडीएस मीटर क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको पानी का टीडीएस चेक करवा देते हैं। ये सभी बॉटल्स के अंदर हमने आरओ वाटर प्यूरिफायर का पानी डाला हुआ है जिसका टीडीएस 100 से 200 के बीच में मेंटेन किया गया है, राइट। पानी डब्ल्यूएचओ ने बोला है एक्सीलेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी है 100 से 300 टीडीएस का पानी, राइट। तो पहले मैं आपको यहां पे टीडीएस चेक करवाता हूं, ये आप देख सकते हैं -148, आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट। दूसरी बॉटल में चेक करा देता हूं मैं आपको, ये देखिए -154 टीडीएस का पानी इसमें दिख रहा होगा आपको। मैं आपको थोड़ा पास लाके दिखा देता हूं, 163, यानी कि हमने जो बोला 100 से 200 टीडीएस के बीच में मीडियम रेंज का टीडीएस का पानी हमने सेट कर रखा है, राइट। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। ये टीडीएस हमने 100 से 200 टीडीएस का पानी इन बॉटल्स में डाल दिया है जो प्यूरिफायर वाटर है बेसिकली। अभी इनको स्टार्ट करते हैं सबका हाइड्रोजन। ये वाली बॉटल का थोड़ा सा एक बटन में प्रॉब्लम है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम फ्रेंड्स। अब आप कंपैरिजन देखिए, ये जो बॉटल्स है सारी की सारी, हम एक बार फिर ट्राई करते हैं, इसमें शायद अगर चालू हो जाए तो। अभी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं कंपैरिजन, ये जितनी भी बॉटल्स हैं यहाँ से लेकर ये सारी है SPEPM बेस्ड टेक्नोलॉजी बॉटल है, ये विदाउट SPEPM बेस्ड टेक्नोलॉजी बॉटल है, सॉरी विदाउट SPEPM है, ये सारी SPEPM के साथ है। इनमें आप देख सकते हैं कि बबल्स जनरेट हो रहे हैं और इसमें बेसिकली फ्यूम टाइप निकल रहा है, राइट, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोड्स और इनके इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंट है। SPEPM का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक मेम्ब्रेन लगती है जिससे कि क्लोरीन और ओजोन गैस हाइड्रोजन पानी में मिक्स नहीं हो पाती, वो रेसिड्यू बाहर निकल जाता है। अब आप देख सकते हैं ये प्योर हाइड्रोजन बन रहा है, इसमें थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, ठीक है। ये सस्ती बॉटल्स मिलती हैं, ये मार्केट में अगर आप देखें तो अमूमन 5-6 हज़ार के रेंज में मिल जाती है आपको बॉटल, अमेजन वगैरह पे चेक करेंगे तो आप। लेकिन ये बॉटल्स थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है क्योंकि इनमें टेक्नोलॉजी का फर्क है, राइट। तो इसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में कि आपको डिफरेंस दोनों के बीच में दिखाएंगे कि ये जो बॉटल्स जो बना रही है हाइड्रोजन, इनके अंदर क्लोरीन है कि नहीं, और इस पानी के अंदर जो आता है क्लोरीन, इसका एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे शुरुआत करते हैं अपना। ये हमारा हाइड्रोजन मीटर है, ठीक है, हम इनको सबको खोल लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन मीटर है, राइट। अभी इसको मैं आपको चेक ऑन करके दिखाता हूं यहां पे, ये अभी आप देखो दिखा रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है 0। अब पहले हम इस बॉटल में डालते हैं, यहाँ चेक करते हैं ये कितना हाइड्रोजन बना रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आपको आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा मैं पास में लाके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा ये बना रहा है 1065 हाइड्रोजन, यानी कि 1100 ppb हाइड्रोजन बना रहा है ये बॉटल, ठीक है। इस बॉटल का चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन हम, ये बॉटल आपकी बना रही है 1548 हाइड्रोजन बना रही है, ठीक है, यानी 1550 ppb। ये बॉटल आपका कितना बना रही है वो भी मैं चेक करवा देता हूं, 1594 ppb हाइड्रोजन आपका बना रही है, 1594 ppb, यानी कि देखिए एक जो रिसर्च में अभी साबित हुआ है जापान के रिसर्च में कि कितना हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी को कंज्यूम करने चाहिए जो एक्सीलेंट और थेरेपेटिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखिए ये बना रहा है 1590, ऑलमोस्ट 1500 हाइड्रोजन की मात्रा ये बना रही है, राइट, 1597, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1582, 1596, 97,
इसका भी हाइड्रोजन देख लेते हैं हम, 1589 93। इसका हाइड्रोजन देख लेते हैं हम, 1400 1567, 1567 हाइड्रोजन। एंड अगेन वंस अगेन इसका भी चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है 1100 ppb। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आया हमारा हाइड्रोजन, हमने बताया कि कितना आता है। रिसर्च जापान की रिसर्च में साबित हुआ है कि 800 से लेकर 1600 ppb का हाइड्रोजन कम पीना से उसके कई सारे थेरेपेटिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब कंपेरिजन आता है कि उस पानी में आपका क्लोरीन और ओजोन मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सस्ती टाइप की जो बॉटल्स मार्केट में आती हैं 4-5 हज़ार में, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो मिक्स होता है। उसका एक नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, अभी इस वीडियो में हम चेक करते हैं इसका ORP। ठीक है फ्रेंड्स, आपके कई अल्कलाइन वाटर मशीन, केंजन वाटर मशीन देखी होंगी, उनका ORP चेक किया होगा, ORP चेक कराते हैं। देखिए इस बॉटल का जो माइनस ORP आ रहा है, माइनस आपको मैं पास ला के थोड़ा दिखा देता हूँ, माइनस 350 ORP के आसपास ORP आ रहा है, राइट। यानी कि जो महंगी महंगी अल्कलाइन वाटर आयनाइजर मशीन हम लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं, -600 -618 620 ORP के करीब इसका पानी आ रहा है, राइट। अब इसका चेक कर लेते हैं हम, ये देखिए, ओहो -650 -652, ये इतना ORP इस बॉटल का आ रहा है। अब इसका हम चेक कर लेते हैं, -630 -640 -638, ये देख सकते हैं आप इतना ORP इस बॉटल का आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब आपको डिसीजन लेना है कौन सा हाइड्रोजन वाटर बॉटल बेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लोरीन का एक लाइव टेस्ट आपको दिखाने वाला हूँ।